शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या है? नहीं, वो तेल मिलेगा, तेल। तेल? वो बंटी है ना, उन्हाने के लिए तेल ले गया। दिन भर मसाज करता रहता है, सारा तेल खत्म कर दिया। थोड़ा तेल आपके यहाँ से उधार मिलेगा, मेकअप उतारना है। एक मिनट। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे तुमसे एक राज की बात बोलनी है। ये बंटी है ना बंटी, इसका कभी भरोसा मत करना, एकदम यकीन करने के लायक आदमी नहीं है। यही वो राज की बात है? नहीं नहीं, राज की बात तो दूसरी। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी थी, तुमको बताना था कि कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, मालूम है? क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या कमाल का डांस करते हैं, कमाल की सुपर डुपर की भी ऊपर की जोड़ी है। तो ये वो राज की बात है? नहीं, राज की बात तो ये है कि मैं तुमको बताना चाह रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर ये जोड़ी जो हम लोग दोनों की है वो असली जिंदगी में भी जोड़ी बन जाए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। रुक रुक रुक। तू उसके कमरे में क्या कर रहा था? नहीं, मैं तो गया नहीं कहीं। तो तू ये गाल क्यों दबा रखा? दिखा ना। ये तेरे गाल लाल क्यों है? वो लिपस्टिक गई नहीं यहाँ से। लिपस्टिक? तेरे गाल पे लिपस्टिक क्यों आएगा? बोलना। किसी को बोलना नहीं है, मैं उसके कमरे में गया। नहीं, प्रॉमिस। मैं नहीं, प्रॉमिस। पक्का? बोलना। सुनो, बता। बोल। क्या मुझे प्यास लगी थी? हाँ। मैं उसके कमरे में गया पानी में। हाँ। तो वो आई। हाँ। आके ऐसे आगे बोल रहे यार। सुन तो सही, बता दो ना। आके मुझे बोलती है पानी, मैंने हाथ पकड़ लिया। फिर आगे बोल। नहीं, बता। हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। एक जो बता नहीं है मेरी जगह। अरे भाई, क्यों बताऊंगा यार। ये रहा जी आपका एडवांस। शो आपका बहुत अच्छा था। ये हीरोइन का नाम क्या है? अच्छी थी है? साइन कहाँ करना है? साइन तो यहाँ करना है। देखिए, अब तय हो गया है कि 29 तारीख को आप अपना पूरा ग्रुप लेकर लंदन जाएंगे। पूरे एक महीने का प्रोग्राम है, है? ये हीरोइन तो सेम रहेगी ना? साइन हो गए। साथी सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। कल रात को जब ये तेरे कमरे में आया तो इसके साथ उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? सुना सेठ जी, सावित्री जी कह रही है मैंने क्या किया। क्यों? कल रात को जब ये तेरे रूम में आया तब तो तू कुछ नहीं बोली, है? अब चिल्लाने लगी। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? अबे रुक ना। रात का छोड़, अभी का बोल। बाबला, तू रात को इसके कमरे में गया था? गया था? तू इसके कमरे में गया था क्या? मैं तो सेठ जी शाम को 7 बजे के बाद सो रहा था। राम, ये दरिंदा कितना झूठ बोलता है। सेठ जी, इसको पूछो, कल रात को तूने मेरे को बोला नहीं कि तू उसके रूम में गया था? अरे भैया, मुझे 7 बजे सोता हूँ तो उसके बाद एक दो नंबर करने के लिए उठता नहीं हूँ। मुझे मिला नहीं था? कब? तब? तब कब? सेठ जी, मैं बोलता हूँ इस आदमी को यहाँ से निकालो। सेठ जी, एकदम चुप। तो पहले इसकी माफी मांग। माफी मांग। सेठ जी, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये सब इस कमीने की वजह से हुआ।
तू लंदन आ, तुझे तो मैं वहाँ देखूंगा। ऐसी बदमाशी अगर ये खुलेआम करेगा तो हम औरतों का लंदन में क्या होगा? माफी वाफी नहीं चलेगी, इस हवस के पुजारी को सजा मिलनी ही चाहिए। एक और सावित्री बोली। पुलिस को बुलाऊंगी, पुलिस को। अरे चुप करो, शोर मत मचाओ कमीनो। वो ऑर्गेनाइजर सुनेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? साले तुम्हारी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत का तो कुछ सोचो। साले मेरी 30 साल की करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से तुम दोनों आए हो मेरी उम्र दुगनी हो गई है। वो सब बात ठीक है, लेकिन इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे कौन सी सजा, कैसी सजा? अच्छा भूल गया, वो सेठ जी नागपुर के अंदर जो शो हुआ था उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजर की बेटी थी, उसको मैंने भैंस बुलाया था तो मुझे बर्तन मारने की सजा मिली थी, जबकि मैंने बुलाया भी नहीं था। और इसने तो किया है, इसको कम से कम कपड़े धोने की सजा तो मिलनी चाहिए ना। आज से 1 महीने के लिए सबके गंदे कपड़े तू धोएगा। खुश खुश चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में और गंदे कपड़े संभाल के रखो। ये देखो, ये सबके पासपोर्ट और टिकट है, सबको बोलना कि मंगल सूत्र की तरह संभाल के रखे, समझ गए? सेठी 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 चिल्ला मत रे, वो हीरोइन हीरोइन का क्या हो रहा है? वो लंदन नहीं आ रही है बेचारे। सेठी क्या हुआ? सेठी क्या हुआ? सेठी क्या हुआ? सेठी कोई कुछ करो, पानी ले आओ। अरे बिजली आ रहा है, ये देखो यार क्या हुआ, क्या हुआ सेठी? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ, तुम दोनों की वजह से मेरी हीरोइन नहीं आ रही। इन दोनों की वजह से हमारे शो में कोई भी लड़की नहीं टिकती। मैं तो कहती हूँ निकाल देना चाहिए इन दोनों को। ये दो निकाल देना, निकाल देना। ए पानी दे सेठ जी को। सेठ जी पानी। सेठ जी मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हम लोग वहां जाके कर लेंगे। तू क्या करेगा? तू पहनेगा उसका ब्लाउज पेटीकोट, तू क्या करेगा? अरे सेठ जी वहां पर अपने हिंदुस्तानी भाई लोग बहुत रहते हैं, कोई ना कोई हीरोइन मिल जाएगी हमें। बराबर है। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वही चल के देख लेंगे, लेकिन पहले लंदन तो चले। वेलकम वेलकम, धन्यवाद। वेलकम, सब लोग आ गए? जी सब लोग आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो किसको ढूंढ रहे हैं आप? वो आपकी मुख्य अभिनेत्री नहीं आई? वो शो फ्राइडे को है ना, तो 2 दिन के बाद आ रही है। उसका मामा मर गया ना, मदर ब्रदर डेड, तो 2 दिन के बाद। ओके ओके, फिर तो ठीक है। तो बाकी सब लोग अपना अपना सामान लेके बस में बैठ जाइए। आप डायरेक्टर है ना, आप मेरे साथ टैक्सी में आइए। कुल्लू इनके सामान टैक्सी में, बाकी सब लोग बस में, बस में, बस में। आइए आइए आइए। वेलकम 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 भाई। अब सुनो, कोई धूम्रपान मत करना और हाथ थूकना नहीं, ये भारत नहीं, इसे भारत मत बनाना। चलो चलो चलो, सब लोग एक एक करके नीचे उतरो। चलो चलो चलो, वेलकम वेलकम। सब लोग अपना अपना सामान लेकर रिसेप्शन काउंटर पे जाइए और अपने वेलकम वेलकम। लाल वाला, अरे क्या चल रहा है? और सुनिए, ये पूरा मोटेल सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहेगा। पूरा इंतजाम कर दिया, बस कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं। वो कपड़े धोने के लिए आदमी लाए हैं हम लोग अपने साथ। वो भी है, वो जो भी है पता नहीं, धोबी है कि फूलगोभी है। धोबी है, धोबी है, है धोबी यहाँ। इधर कोई खाने पीने की व्यवस्था है क्या? अरे खाने पीने की तो तकलीफ ही नहीं है ना, रसोई घर है, बर्तन है, सब कुछ है, सिर्फ पकाने वाला नहीं है। वो आपको खुद पका के खाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है ना। नो रूम सर्विस। अरे गुल्लू इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये टैक्सी वाला गुल्लू आज के दिन ही आप लोगों के साथ ही रहेगा। कुछ भी बाजार से मंगाना हो इससे मंगा लेना, ये आपको लाके दे देगा। गुल्लू इनको संभालना, अपने लोग है भाई, हाथ से नहीं जाने चाहिए, समझ गया ना? आराम से रहिए, अपना मोटिव समझिए से। अब मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा शो के दिन। हद हो गई शराबत की। बाय। आ जा गुल्लू, आ जा आ जा, पैसा दे दो ना तेरी मां। चलो भैया, सबका चाय नाश्ता नहाना धोना हो गया ना? मेरा बाकी है। क्या प्रॉब्लम है? वो रूम सेट हो रहा है अभी। चलो वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास हीरोइन नहीं है, और वो समस्या का निवारण भी हो गया। क्या निवारण किया, कैसे किया? देखो वो क्या है, कहानी वही रहेगी, सिर्फ हीरो हीरोइन बदल गए हैं। हीरोइन कौन होगी? मैं हूँ। है? मैं हीरो हूँ और ये वैजयंती वो हीरोइन बनेगी। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, ये अपना लास्ट शो है, इसके बाद सीधा इंडिया। चुप करे, तेरी वजह से हीरोइन भाग गई है। हाँ वो जो भी है, लेकिन पब्लिक हमारे कपड़े तो नहीं फाड़ेगी।
नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि अगर सेठ जी हीरो बनते हैं और ये हीरोइन बनती है तो इसका शीर्षक क्या होगा? सिग्नल बुढ़ापे का सिग्नल। स्टूपिड इडियट, वेरी फनी। सेठ जी आवाज बंद नहीं होगी, बोलते रहो। सेठ जी एक धमकी है, अगर ये हीरोइन बनती है तो इस नाटक का विलन मैं बनूंगा। तू क्यों बनेगा? तू क्यों बनेगा? विलन हमेशा मैं बनते हूँ, मैं ही रहूंगा, समझे ना? तेरे को तो हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अभी चांस मिल रहा है तो लेता क्यों नहीं है? भाई साहब मुझे हीरो बनना है, किसी का बेटा नहीं बनना। क्या? मुझे भी किसी का पोता नहीं बनना। चुप चुप चुप। अभी सिर्फ एक रास्ता है और जो सबको मानना पड़ेगा, जो हीरोइन ढूंढ के लेके आएगा वो ही हीरो का रोल करेगा। हीरो का रोल करना है तो हीरोइन लेकर आओ, नहीं तो मैं इसके साथ शो करूंगा और जो मेरे साथ शो नहीं करेगा उसको मैं एक रुपया भी नहीं दूंगा। हो सकता है वो कर लेगा। पॉन्ड में छाप रहे हो? अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? नहीं वो ट्रायल चल रहा है ना, साफ सफाई। अच्छा अच्छा अच्छा, पे था मैं। ये मौसम कैसा है यहाँ का? अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। क्यों, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है, लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं। नहीं मेरा मतलब उनका स्वभाव कैसा है, दोस्ती वोस्ती करती है कि नहीं? जो भी देसी आता है घुमा फिरा के वही पूछता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा? मैं तो बस यूं ही। अच्छा यूं ही? आटो, आटो। क्या हुआ? आटो तो। क्या हुआ? अच्छा किस तरह की लड़की चाहिए? मैक्सिकन, चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश? सच बताऊं? हाँ। एकदम भारतीय लड़की चाहिए। क्या? तुम्हें विदेश में आके भी देसी लड़की चाहिए? क्या बताऊं, खेल ही ऐसा है। हाँ समझ गया समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। हाँ। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। ए, बंटी ने पूछा क्या? अरे किसी ने नहीं पूछा, मैं तो ऐसे कह रहा था। ओ। कब चाहिए? आज। आज? अभी अभी। हाँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बोलो। एक महीने के लिए? एक महीना? वही की वही, सेम टेस्ट। क्या तुम भी यार? अरे नहीं नहीं, दरअसल नहीं नहीं, दरअसल मेरी, अरे शादी नहीं हुई ना इसीलिए। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा सुनो। हाँ। उसको हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी? हाँ। अच्छा हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए। हाँ, डालो, 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 यार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एक महीने के लिए चाहिए, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए, सारी चीजें बड़ी। अरे डायलॉग में इतना खुश क्यों गए? अच्छा सुनो, लड़की एकदम हीरोइन जैसी होनी चाहिए। ठुमका लगाए मस्त, बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा बोलोगे वैसा नाचेगी, ठुमका बोलोगे ठुमका लगाएगी। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता? पैसा कितना ले लेगी? अरे यार छोड़ो ना, वो तो वो लोग बताएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जैसा बोला है वैसा करते जाओ। देखो तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ और फिर चौथे सिग्नल से बाएं ले लेना, और उसके बाद बहुत बड़ा पार्क पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इंडियंस खड़े मिलेंगे, लेकिन किसी गोरे से मत पूछना, इंडियंस देखते तुम्हें समझ जाएंगे, वो तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो जैसे ही आए उनसे मांग लेना, पर पुलिस से सावधान रहना, ये बात। अच्छा सुनो, ये बात जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई है, कोई पूछे तो मत बता। अरे नहीं लोग पूछे, तुम चिंता ही मत करो, पूछेंगे। तुम जाओ अपना काम करो, जाओ, ऑल द बेस्ट।